न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। नागपुर शहर के पुलिस स्टेशन सीताबर्डी में बाल स्नेही कक्ष व महिला अधिकारी कक्ष का आज अपर पुलिस आयुक्त दिलीप झलके इनके शुभ हाथों से पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार की प्रमुख उपस्थिति में उद्घाटन किया गया। इस दौरान पुलिस उपायुक्त विनीता साहू, सहायक पुलिस आयुक्त तृप्ति जाधव, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अतुल सबनीस, पुलिस निरीक्षक आसोल कासुरे इस उद्घाटन में प्रमुख रूप से उपस्थित थे। एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत शाह आपके साथ। आज बर्डी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बाल स्नेही कक्ष व महिला अधिकारी कक्ष ये बना यहाँ उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन माननीय अमितेश कुमार इनके हाथों किया गया है। ये पहला नागपुर के अंदर ये उद्घाटन यहाँ पे आज किया गया है। देखते हैं कि बच्चों के लिए अंदर क्या क्या व्यवस्था की गई है, जानते हैं सीधे। सीताबर्डी पुलिस स्टेशन नागपुर का सबसे पुराना व मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा स्मार्ट पुलिस स्टेशन की दिशा में उठाया गया यह पहला कदम है। पुलिस आयुक्त विनीता साहू द्वारा सीताबर्डी पुलिस स्टेशन का यह नया कार्य हाथों में लिया गया है। पुलिस स्टेशन में आने पर बच्चों में तनाव व घबराहट बढ़ जाती है, ऐसे वातावरण से दूर रखने के लिए बाल स्नेही कक्ष का आरंभ किया गया है। इस कक्ष में विभिन्न प्रकार के खिलौने, पुस्तकें, झूले आदि बच्चों के पसंद की वस्तुएं उपलब्ध कराई गई है। स्वतंत्र बेड, प्रसाधन व स्तनपान करने वाले बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तनावपूर्ण परिस्थिति में छोटे बच्चों के कोमल मन को दूर रखना ही इस उपक्रम का उद्देश्य है। पुलिस स्टेशनला जे महिला काही तक्रार निमित्ताने येतात, बरेचसे वेळी त्यांचे सोबत लहान मुले असतात आणि त्यांना प्रत्यक्ष पुलिस स्टेशन परिसरामध्ये अस्वस्थता वाटत होती अशी प्रकारची आमच्याकडे फीडबॅक प्राप्त झाली होती आणि त्या अनुषंगाने एक बाल सहायक कक्ष ज्यामध्ये जरी महिला आली तर त्यांचे मुला या कक्षामध्ये त्यांना ठेवून ते महिला त्यांचे तक्रार देऊ शकतात या धारणाने ही कक्ष स्थापना करण्यात आलेली आहे। त्याचबरोबर जे महिला कर्मचारी मोठे संख्येने ड्यूटी पुलिस स्टेशन्सला किंवा ट्रॅफिक ब्रांच इतर ठिकाणी असतात, बरेचसे वेळी त्यांना पण मुलांना आणून ठेवण्याची गरज वाटत असतात, त्यामुळे हे बाल सहायक कक्ष त्यांच्यासाठी पण उपयोगी राहील। तसेच महिलांसाठी जसे महिलांचे संख्या पुलिस दलात वाढलेली आहे महिला कर्मचारीची, त्यांच्यासाठी एक अधिकार कक्ष ज्यामध्ये ते आराम करू शकतात अशा प्रकारचे कक्षचे स्थापना पण करण्यात आलेली आहे। आणि हे नक्कीच यामध्ये जनता आणि पोलीसमध्ये जे आणखी जवळ एक चांगली रिलेशनशिप बनेल आणि पोलिसांवर लोकांची जास्ती आणखी जास्ती विश्वास स्थापित होईल अशी या धारणाने ही कक्षची स्थापना करण्यात आलेली आहे। लॉकडाऊनच्या काळात अशा प्रकारचे घटनांमध्ये नक्कीच वाढ झालेली आहे आणि यामध्ये पोलीस कायदेशीर कारवाई करत असतात आणि नक्की यामध्ये बरेचसे वेळी मुलींना त्यांचे आईवडीलकडे ना राहता दुसरे ठिकाणी राहण्याची ते इच्छा व्यक्त करत असतात। हे अत्यंत संवेदनशील गोष्ट आहे। पोलीस अत्यंत संवेदनशीलताने अत्यंत टॅक्टफुली हे प्रकरण हाताळत असतात। कायदेची कारवाई एक बाजूला असते, तसेच त्यांचे काही सामाजिक त्यांना अडचण होणार नाही याची पण काळजी पोलीस दलांकडून घेण्यात येत असते। येथे नागपूर से हमारे संवाददाता अजीत शाह की विशेष रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। नमस्कार।